नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एम ए फाइनल के 7th पेपर के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकार्यवाद को कल पढ़ रहे थे, उसी के तहत अपन ने संरचना पर कुछ समाजशास्त्रियों के विचार, जिनमें प्रमुख रूप से हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, पेरेटो, रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलिनोस्की, टालकट पार्सन्स तथा रॉबर्ट के मर्टन के प्रमुख विचार को अपन ने पढ़ा था। जैसा कि आपको पता है कि स्पेंसर ने समाज की तुलना शारीरिक संरचना की तरह से करने का प्रयत्न किया था, पर स्पेंसर ने यह भी स्पष्ट किया था कि समाज कोई शारीरिक संरचना नहीं है। स्पेंसर के लिए यह केवल एक तुलना मात्र थी और स्पेंसर का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक आधार इसी तुलनात्मकता से उभरता था। स्पेंसर ने एक ओर जहां शारीरिक संरचना तथा सामाजिक संरचना के बीच समानता की चर्चा की, वहीं दूसरी ओर इनके बीच विभिन्नताओं की चर्चा भी की। स्पेंसर सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों के प्रकार्यात्मक आधारों को भी देखना चाहते थे। स्पेंसर के ऐसे ही तर्कों को ऑगस्ट काम्टे ने भी प्रस्तुत किया था। इसी को आगे अपन देखेंगे कि किस प्रकार प्रकार्यात्मक विश्लेषण है संरचना के अर्थ तथा उसकी व्यवहार प्रणाली को समझने के बाद उपागम के प्रकार्यात्मक पक्ष पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में मर्टन का यह कथन महत्वपूर्ण है कि शब्द प्रकार्य अनेक भ्रांतियों का शिकार रहा है। मर्टन के अनुसार इन भ्रांतियों के दो पक्ष हैं। पहला, एक ही शब्द तथा विभिन्न अवधारणाएं, तो दूसरा, एक अवधारणा और विभिन्न शब्द। क्या कहा उन्होंने? एक ही शब्द तथा विभिन्न अवधारणाएं। दूसरी बात इन्होंने की, एक अवधारणा और दूसरा विभिन्न शब्द। मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग उत्सव, व्यवसाय, किसी हैसियत विशेष से जुड़े क्रियाकलाप तथा विभिन्न कारकों के पारस्परिक संबंध आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में इस शब्द के प्रयोग में प्राणीशास्त्रीय प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रकार्य का अर्थ उन जैविकीय प्रक्रियाओं से है जो प्राणी के अनुरक्षण में अपना योगदान देती है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्य का अर्थ प्राणी और उसकी पारस्परिक आवश्यकताओं व पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया से है। सामाजिक जीवन में दंड का प्रकार सामाजिक संरचना में उसके अनुरक्षण में उसके योगदान से है। मेलिनोस्की के अनुसार प्रकार्य का अर्थ समाज के विभिन्न हिस्सों भूमिका की व्याख्या से है। यहां तक यह कहना उचित होगा कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण की लंबी परंपराएं हैं। मेलिनोस्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन ऐसे सामाजिक मानवशास्त्री थे जिन्होंने अपने ढंग से प्रकार्यात्मक विश्लेषण को आगे बढ़ाया। इससे भी पहले ऐसे समाजशास्त्री थे जो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारों के विश्लेषण में सक्षम थे। ये सभी विश्लेषण जीवन शास्त्रीय आधारों से प्रभावित थे और सामाजिक प्रकार्यों के आधारों को उसी रूप में देखते थे। रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रकार्यवादी विश्लेषण की
तीन प्रमुख मान्यताएं स्पष्ट हैं। पहला, सामाजिक क्रियाकलाप तथा सांस्कृतिक तत्व पूरे सामाजिक प्रणाली के लिए प्रकार्यात्मक हैं। दूसरा, ये निश्चित समाजशास्त्रीय प्रकार्यों को पूरा करते हैं। तीसरा, ये क्रियाकलाप और तत्व सामाजिक प्रणाली के लिए आवश्यक है। ये तीनों मान्यताएं परस्पर संबंधित हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए सामाजिक प्रणाली की समस्याओं के बारे में जानना भी जरूरी है। सामान्यतः किसी भी सामाजिक प्रणाली में चार प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा होती हैं, जिसको ऊपर निम्न आधार पर देख सकते हैं। पहला, सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत सापेक्ष स्थिरता आवश्यक तत्व है। इसीलिए प्रत्येक सामाजिक प्रणाली सामाजिक तथा सांस्कृतिक आंतरिकता के लिए प्रक्रिया पैदा करती है। मूल्यों की आंतरिकता के लिए भी ऐसा प्रयत्न किया जाता है। दूसरा, किसी भी प्रणाली के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करे। इस कार्य को समाज भूमिकाओं में विभेदीकरण, श्रम विभाजन की प्रक्रिया और कार्य के बंटवारे द्वारा पूरा करती है। प्रत्येक सामाजिक प्रणाली के कुछ लक्ष्य होते हैं, जिन्हें वह सहयोगात्मक प्रयत्नों के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करती है। इन लक्ष्यों में राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक समानता, न्याय पर आधारित व्यवस्था आदि प्रमुख कहे जा सकते हैं। एकीकरण, जिसका संबंध सामाजिक प्रणाली के इकाइयों के अंतर्गत संबंधों से है, प्रणाली के सदस्यों का प्रणाली के प्रति आस्था तथा विश्वास दोनों ही आवश्यक है। आस्था के अभाव में प्रणाली चल नहीं सकती। प्रणाली की यही आवश्यकताएं प्रकारों की व्यवस्था पैदा करता है। रॉबर्ट के मर्टन ने प्रकारों को दो भागों में बांटा है, पहला बाह्यगत प्रकार्य और दूसरा आंतरिक प्रकार्य। मर्टन के अनुसार बाह्यगत प्रकार्य की स्पष्ट पहचान होती है, इनके पीछे अपेक्षित इरादा होता है, वह वस्तुपरक होता है। अंतर्निहित प्रकार्य के पीछे आंतरिक प्रवृत्ति होती है, इनकी पहचान करना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। इनके पीछे आंतरिकता होती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो बहिर्गत तथा आंतरिक प्रक्रियाओं में अंतर किया जा सकता है। बाह्य दृष्टि से एक समूह में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष हो सकता है, साथ ही समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति घृणा की भावना जागृत हो सकती है। हितों का संघर्ष बाह्य प्रकार्य है। कानूनी विरोधी आचरणों के प्रति घृणा आंतरिक प्रकार्य है। सामाजिक प्रकार्य, दुष्कार्य तथा अप्रकार्य की अवधारणाएं मर्टन ने प्रस्तुत की। सामाजिक प्रकार्य वे प्रकार्य हैं जो समाज की संरचना को चलाने में मदद प्रदान करते हैं। दुष्कार्य वे प्रकार्य हैं जो समाज की संरचना को दूषित या विकृत करते हैं। अप्रकार्य वे अप्रासंगिक प्रकार्य हैं जिनका अस्तित्व या तो नहीं है या उनकी संपूर्ण प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। मर्टन ने इन प्रकार्यों के स्वरूपों को अपने अध्ययन में प्रस्तुत किया था। प्रकार्यों को व्यक्तिगत भावनाओं अथवा विचार के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मर्टन के अनुसार सामाजिक प्रकार्य स्पष्ट दिखाई देने वाले परिणात्मककारी वस्तुनिष्ठ प्रकार्य हैं। कोई भी प्रकार्यात्मक विश्लेषण इस बात का प्रयास करता है कि सांस्कृतिक प्रचलनों और सामाजिक मान्यताओं के प्रभाव स्पष्ट किए जा सके। इसी को आगे देखते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम क्या है। संरचना एवं प्रकार्य के अर्थों को अलग अलग विश्लेषित करने के बाद
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की चर्चा की जा सकती है। हमने पहले अध्ययन में दो चीजों को स्पष्ट किया था, संरचनात्मक क्या स्थिति है और प्रकार्यात्मक क्या स्थिति है। अब हम दोनों को एक साथ इसको विश्लेषण कर सकते हैं। आधुनिक समाजशास्त्र विशेष रूप से कई शताब्दी के अंत तक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का काफी प्रभाव रहा है। आज के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों के विश्लेषण के लिए यद्यपि अन्य उपागमों का सहारा लिया जाता है, पर प्रकार्यात्मक विश्लेषण इन उपागमों में प्रधान रहा है। समाजशास्त्री ये मानते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण उद्विकासी विश्लेषण के बहुत नजदीक है। प्रायः इन दोनों प्रकार की व्याख्याओं में सामान्यता दिखाई देती है। प्रकार्यवादी विश्लेषण वस्तुतः समाज के संबंध में एक दृष्टिकोण है जो स्वयं नियंत्रित व्यवस्था है, जो अंतर संबंधित इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के संरचनात्मक संबंधों की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। यह वह समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो संरचना की विभिन्न इकाइयों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव तथा उनके माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। इस प्रकार इस उपागम का विश्लेषणात्मक आधार अलग अलग इकाइयों तथा इन इकाइयों के समन्वय से बनने वाले संपूर्ण आधार का विश्लेषण है। उदाहरण के लिए किसी संस्था के प्रकार्यात्मक विश्लेषण को यदि हम लें, जैसे संयुक्त परिवार, जाति, राजनीतिक दल, धर्म अथवा औद्योगिक संकुल आदि, तो हम उनको अंतर संबंधित भागों में निर्मित एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखेंगे कि इनके आपस में पारस्परिक संबंध क्या है, उनका संपूर्णता से क्या संबंध है और इन इकाइयों के क्या प्रकार्य हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रचलन, व्यवहारों के प्रतिमान और यहाँ तक कि अंधविश्वासों की जांच की जा सकती है कि समाज में उनकी प्रकार्यात्मक भूमिका क्या है। संक्षेप में, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम विभिन्न इकाइयों की उपादेयता, संरचना में उनकी प्रकार्यात्मक भूमिका तथा संपूर्णता के निर्माण में इन इकाइयों की भूमिका का विश्लेषण है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण का आधार मूलतः सामाजिक व्यवस्था की पूर्व अवधारणात्मक संरचना के साथ जुड़ी हुई है। यह पहले भी स्वीकार कर लिया गया है कि इकाइयां संपूर्ण व्यवस्था का एक ही भाग है। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था इकाइयों से बड़ी है। सभी संस्थाएं तथा प्रबंध सामाजिक व्यवस्था के रूप में हैं और कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपनी इकाइयों से बड़ी है। सारा विश्लेषण इस तथ्य पर आधारित है कि विभिन्न इकाइयों के प्रकार्यों प्रकार्य क्या हैं तथा ये भाग किस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था को बना कर रखते हैं। किसी भी सामान्य संचालन के लिए इन इकाइयों का पारस्परिक सामान्य संचालन आवश्यक है। किसी एक इकाई के सामान्य संचालन के लिए इन इकाइयों का सामान्य संचालन आवश्यक है। मानव शास्त्रियों ने माना है कि पारंपरिक समाज को सुगठित, एकीकृत, समता आधारित समाज थे। आज के समाज अधिक जटिल हैं, बिखरे हुए हैं, विशेषीकृत हैं। पर साधारण पारंपरिक समाजों को भी अपनी इकाइयां थी, इनमें पारस्परिक संबंध थे और ये इकाइयां मिलकर ही व्यवस्था भी बनाती थी। आधुनिक समाज में भी पारंपरिक समाज की तरह ये माना जाता है कि इन समाजों के पारस्परिक अंतर्निर्भरता अंग हैं जो संपूर्ण व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। प्रत्येक समाज में उसकी इकाइयां समाज को चलाने में सकारात्मक या नकारात्मक योगदान देती है। मर्टन द्वारा रचित प्रच्छन्न तथा प्रकट प्रकार्य की चर्चा इस पाठ में पहले ही हम लोग कर चुके हैं। प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रियों का जोर इस बात पर समाज में प्रभुत्वशाली अवस्था है वह है जिसमें स्थापित तथा सहमति के आधार पर व्यवस्था बनी हुई हो। पार्सन्स का कहना था कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार मूल्यों की भागीदारी है। इस प्रकार प्रकार्यवादी सामाजिक व्यवस्थाओं में समन्वय स्थापित स्थायित्व तथा एकता के प्रश्नों को अधिक उठाते हैं। ये कहा जाता है कि प्रकार्यवाद ने सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष की अवस्थाओं के विश्लेषण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि
संरचनात्मक प्रकार्यवादियों की विभिन्न संरचनाओं में सामाजिक जीवन की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं की परख करनी चाहिए जो उनसे रचनाओं में मौजूद हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में निश्चित ही समाजशास्त्रीय ज्ञान सैद्धांतिक समीक्षाओं और पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्कृति तथा मूल्यों के तुलनात्मक अध्ययन में इस उपागम ने ज्ञान में श्रेष्ठता प्रदान की है। धन्यवाद। कल अपन पढ़ेंगे इसी को आगे, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के प्रमुख समाजशास्त्री कौन कौन हैं और उनके क्या क्या विचार रहे हैं। धन्यवाद।